गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सज्जन सर किशोर फ्रॉम पारस इंग्लिश हाई स्कूल। टुडे आई विल टीच मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 9। द चैप्टर नंबर 6, द नेम ऑफ द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.2। इन दिस वीडियो वी विल लर्न एक्सरसाइज 6.3, but before that let's learn some basic rules. So remember, angles some property of a triangle. Theorem 6.7, the sum of the angle of the triangle is 180. जो ट्राइंगल होता है इतने उसके जितने भी थ्री एंगल्स होते हैं उसका मेजरमेंट कितना होता है 180। एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटर्नल यानी बाहर के एंगल, जैसे यहाँ पर ये देखो ये एक्सटर्नल एंगल गिनाता है। ओके, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल इफ़ एनी साइड इज प्रोड्यूस्ड वन साइड वी गेट एंगल विच फॉर्म अ लीनियर पेयर विथ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल एट द वर्टेक्स वेयर द साइड इज प्रोड्यूस्ड। दिस एंगल इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इन अदर वर्ड्स, एन एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर विथ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्राइंगल। थियरम 6.8, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटर्नल एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, जिसमें हमें दिया है कि भी ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ओके, तो ये 130 दिया है, तो ये जो सी है ट्राइंगल का, तो उसका कितनी वैल्यू होगी, तो टोटल ये 180 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। अभी ए बी और ए सी दोनों सेम है, साइड सेम है, तो दोनों एंगल भी कैसे हो गए सेम, तो ये 50 ये भी 50, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 80। हियर ए सी डी इज़ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड हेंस ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3। सो इन 6.3 हियर इन द गिवन फिगर, यहाँ पर एक फिगर दी है पी क्यू आर। पी क्यू आर में जो क्यू है वहाँ पर एक एक्सटर्नल एंगल बाहर निकला है जिसकी वैल्यू है 110। इस तरह से यह जो पी क्यू है वहाँ पर भी एक एस पॉइंट दिया आगे, और वहाँ पर जो एक्सटर्नल ए से उसकी वैल्यू दी है 135। तो हमें दिया है इन द गिवन फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। इफ एस पी आर, एस पी आर यानी एक्सटर्नल पी की वैल्यू 135 एंड पी क्यू टी, ओके, क्यू एक्सटर्नल की वैल्यू 110, फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है पी आर क्यू यानी आर की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो हियर एंगल एस पी आर एंड पी क्यू टी आर एक्सटर्नल एंगल्स, ये दोनों एक्सटर्नल एंगल हैं। देन थियरम 6.8 एस अकॉर्डिंग तो ट्राइंगल एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू एंड पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, तो ये जो है हमारा एस पी आर, एस पी आर है, एस पी आर, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये ट्राइंगल है हमारा कि पी क्यू आर यानी ये वैल्यू, ओके, उसके बाद बोला है पी आर क्यू ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू कंबाइन करोगे तब इसकी वैल्यू आएगी। तो सेम थिंग यहाँ पर किया है। अभी
एक की वैल्यू दे दी है कि भी हमें पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल 135 और एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल 110। एडिंग दिस टू इक्वेशन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल 135 प्लस 110 तो 180 प्लस पी आर क्यू दोनों को प्लस किया 245 थ्योरम 6.7 के अकॉर्डिंग। तो हमें जो फाइंड आउट करना है कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 245 माइनस 180 तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 65। ओके नाउ सी द नेक्स्ट वन इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दी है एंगल एक्स, यहाँ पर देखो एंगल एक्स की वैल्यू दी 62। एंगल दिया है एक्स वाई जेड यानी एक्स y और z, x y z की टोटल वैल्यू दी है 54 यानी पूरा 54 है। इफ़ y o एंड z o आर द बाइसेक ऑफ x y z, ये x y z का क्या है बाइसेक्टर है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि x y z रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल x y z फाइंड करना है o z y यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरा बोला है y o z यानी ये एंगल, दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान रखो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल हमारा एक्स वाई जेड, उसमें x की वैल्यू फिर y की वैल्यू और z की वैल्यू यानी एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई तीनों की मिलकर 180 होती है क्योंकि थ्योरम 6.7 के अकॉर्डिंग। अभी हमारे पास दो की वैल्यू दे दी है, जैसे x की वैल्यू दे दी 64, y की वैल्यू 54, तो हमें z की वैल्यू मिलेगी। ओके तो 180 में से ये दोनों को प्लस करके निकाल दो बाहर, तो यानी z की वैल्यू में मिली 64, यानी टोटल 180 में से ये 62 और 54 निकालोगे तो 64 मिलेगा, ये हमें मिली z की वैल्यू। ओके अभी बाइसेक्टर है, ओके y और z आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ये दोनों बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो एंगल उसका हाफ हो जाता है। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल 1/2 एंगल एक्स वाई जेड, तो 1/2 54 का यानी 27 हो गए, यानी ओ वाई जेड, ओ वाई जेड यानी वाई की वैल्यू कितनी होगी 27। इस तरह से ये ओ जेड वाई उसकी भी वैल्यू 1/2 एक्स जेड वाई, तो यहाँ 64 का हाफ हो जाएगा 32 हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल y ओ वाई जेड, ओ वाई जेड दो की वैल्यू मिल गई तो तीसरी की वैल्यू मिल जाएगी हमें ओ वाई जेड और ओ जे वाई यानी 27 32 मिली, तो y ओ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 180 में से 27 32 निकालोगे तो एंगल y ओ जेड की वैल्यू 121 मिलेगी। ओके नाउ सी द नेक्स्ट इन द गिवन फिगर, इफ ए बी पैरेलल डी ई, ये ए बी पैरेलल डी ई के, ओके बी ए सी, ये बी ए सी इसकी वैल्यू 35 दी है और दूसरा बोला है सी डी ई इसकी वैल्यू दी है 53। फाइंड क्या करना हमें डी सी ई, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके नाउ सी ए बी इज अ पैरेलल डी सी, ओके एंड ए ई, ए इज अ ट्रांसफरबल फॉर देम, ये भी क्या है ई ट्रांसफर है। नाउ ए ई डी, ए ई डी और बी ए ई ये दोनों सेम हो जाएंगे, ए ई डी और बी ए ई ये दोनों क्या हो गए सेम, ये दोनों एंगल यानी हमारे पास एक की वैल्यू दे दी है तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 35, तो 35 दोनों गई यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 35, ई की वैल्यू 35 हो गई। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है सी, तो ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, दो की वैल्यू मिल गई तो तीसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी 180 से माइनस करना है, तो ट्राइंगल सी डी ई बाय थ्योरम 6.8, तो सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल 180, 53 35 प्लस डी सी ई इज इक्वल 180, तो डी सी ई इज इक्वल 180 माइनस 53 माइनस 35, तो डी सी
E is equal to 92. So friends, now see in the next. In the given figure, if line PQ and RS, ये PQ और RS, intersects at point T, such that, इस तरह से होता है कि PRT कितना होता है 40 और RPT है 95, ओके okay, अभी हमें दूसरा दिया है कि TSQ 75 है, फाइंड क्या करना है SQT, यानी ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके फ्रेंड्स. सो सबसे पहले इन द गिव इन ट्राइंगल PRT, तो एंगल PRT प्लस PRT, यहाँ पर RPT प्लस PRT प्लस PTR इज इक्वल टू 180, थ्योरम 6.7 के हिसाब से दो की वैल्यू दे दी है, तो 95-40 दी है, तो PTR 180 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमें PTR मिलेगा, तो PTR कितने मिला 45 PTR मिल गया. अभी क्या करना है कि लाइन PQ एंड SR इंटरजेक्स एट T पॉइंट, ये दोनों पॉइंट T पर इंटरजेक्स करते हैं, यानी वर्टेक्स ऑपोजिट, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, दैट मीन्स STQ और PTR दोनों वर्टेक्स ऑपोजिट, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, यानी 45-45 हो गई. अभी हमें दूसरा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल STQ, उसमें S और T की वैल्यू मिल गई, तो हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजीली मिल जाएगी, 180 में से दो की वैल्यू मिल गई है, तो तीसरे की वैल्यू हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो SQT की वैल्यू 60 मिलेगी. ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से बाकी जो सम है वो आप इस तरह से कर सकते हो, बाकी जो सम है मैं आपको फोटो खींच के भेजूँगा, आप क्या करना है ट्राई करना, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. यहाँ पर आपका 6th चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली.